छात्र अपराधियों को पकड़ने गई पुलिस पर वारंटी ने फायर कर दिया, जिसके जवाब में पुलिस के द्वारा भी फायरिंग की गई। लेकिन इस बीच छात्र अपराधी एनआर सिंह मौके से भागने में सफल हो गया। मामला जालंधर के थाना नदी गांव का है, जहां पुलिस एक वांछित अपराधी एनआर सिंह को पकड़ने गई थी। एनआर सिंह कई आपराधिक मामलों में वांछित चल रहा है। पुलिस को देखते ही वह अपने खेतों से भागने लगा। भागते समय एनआर सिंह और उसके साथियों द्वारा पुलिस पे 5 राउंड फायर किए गए। आमने सामने कई राउंड हुए। फायरिंग में पुलिस की गाड़ी के शीशे भी टूट गए हैं। जवाबी कार्रवाई में पुलिस के द्वारा 5 राउंड AK-47 से और पिस्टल से 2 राउंड फायर की गई है। पुलिस और बदमाश के मध्य हुई फायरिंग में पुलिस को सफलता मिल ही गई होती, लेकिन एनआर सिंह का एक वफादार आदमी बीच में आ गया और इसी वजह से वारंटी एनआर सिंह पुलिस के चंगुल से भागने में कामयाब रहा, जिसकी सूचना जिले के SP डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी को दी। सूचना मिलते ही कई थानों के फोर्स के साथ मौके पर पहुंची अपर पुलिस अधीक्षक सुरेंद्रनाथ तिवारी ने चारों ओर से घेराबंदी कर वारंटी की तलाश शुरू कर दी है। वहीं जालौन के SP डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी ने बताया कि थाना नदी गांव का एक अपराधी एनआर सिंह है, जिसके विरुद्ध 1.5 दर्जन से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं, जिसका स्थायी वारंट न्यायालय से निकला हुआ था। मौके से एक गाड़ी बरामद हुई है तथा इस घटना में करीब 7 से 8 लोगों के शामिल होने की आशंका है। इस संबंध में मुकदमा लिखकर संबंधित धाराओं में कड़ी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही कई स्थानों की फोर्स के साथ PSC को तैनात कर दिया गया है। थाना नदी गांव का एक अपराधी अनार सिंह है, जिसके विरुद्ध 1.5 दर्जन से ज्यादा मुकदमे पंजीकृत हैं। उसका स्थायी वारंट न्यायालय से निकला हुआ था, जिसके संबंध में अधिसूचना एकत्र करने के बाद इंस्पेक्टर नदी गांव आज उसकी तलाश में नदी गांव क्षेत्र में ही गए हुए थे, जहां मटर के खेत में उसके होने की सूचना प्राप्त थी। इस संबंध में पुलिस की कार्रवाई जैसे ही आरंभ हुई, उसके तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने संभवतः नदी गांव जहां उसका गांव है वहां सूचना कर दी, जिस पर कुछ लोग आ गए। उन्होंने पुलिस के ऊपर पालतू कुत्ते छोड़ दिए और बाद में अफरा तफरी मचने पर कुछ फायर किए उनके द्वारा, जिसके जवाब में पुलिस ने भी फायर किया और इस भगदड़ में अनार सिंह वहां पुलिस की तरफ से भाग गया है। इस संबंध में एक व्यक्ति को रोका गया है जो संदिग्ध था, वहां मौके पर मौजूद है। एक गाड़ी बरामद हुई है। इस घटना में लगभग 7-8 लोग शामिल होने की सूचना जानकारी में आई है, जिसके संबंध में मुकदमा लिख के उचित धाराओं का कड़ी कार्रवाई की जा रही है। सर, अनार सिंह किन धाराओं में उसके वारंटी था, किन धाराओं में पंजीकृत था? जो अभी जिसमें स्थायी वारंट था वो ST नंबर 164/15 है, 307 IPC का मामला है। इसके अलावा और भी गंभीर धाराओं के मुकदमे अनार सिंह के विरुद्ध पंजीकृत हैं। तमाम अन्य थानों का फोर्स भी इस समय नदी गांव में मौजूद है। PAC वहां लगा दी गई है, जिससे प्रभावी कार्रवाई के साथ साथ स्थानीय लोगों में भय का वातावरण न रहे, सुरक्षा का वातावरण बने, इसका पूरा प्रयास किया जा रहा है। जालौन से शिवांग शुक्ला की रिपोर्ट।